नारायणगढ़ के रघु सचिवालय में बिना मास्क बाद दोनों डोज न लगे होने वालों की एंट्री बंद कर दी गई है। ओमिक्रॉन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने निर्देशानुसार नारायणगढ़ के लघु सचिवालय में बिना मास्क बाद बिना वैक्सीनेशन की दोनों डोज के लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद हो गई है। खुद नारायणगढ़ के SDM नीरज IAS ने लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर पहुंचकर जहां सचिवालय परिसर में आने वाले लोगों से बातचीत की व उनका वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र चेक किया, वहीं उन्हें हिदायत दी गई कि जब भी वे अपने घरों से बाहर निकले तो सामाजिक दूरी बनाए रखें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिकारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निर्देश आए हैं बिना मास्क के और 2 गज की दूरी बनाए बिना जो एंट्री बंद की गई है कार्यालय में, उसके बारे में चाहेंगे। सरकार की निर्देश है कि ओमिक्रॉन वायरस को रोकने के लिए सारे सार्वजनिक स्थानों में और पब्लिक ऑफिस में जो लोग बिना मास्क के या बिना वैक्सीन की दोनों डोज लगाए आ रहे हैं उनका प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और यहाँ पे हमने बैरिकेड लगवाएंगे अभी, और बाकी हम पुलिस की सहायता से और मेडिकल टीम की सहायता से यहाँ पे चेक किया जाएगा कि कौन किसके पास वैक्सीन के दोनों डोज है। अगर उनके पास वैक्सीन के दोनों डोज उन्होंने नहीं लगवाए हैं तो उनको यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलणा। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube दे उते वीडियो खबरां देखने दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखने दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।